सो हेलो फ्रेंड्स, यह देख रहे हैं सम्मान एवं पुरस्कार। यह जो सेशन लेके आए हैं यह 11वां सेशन है। इससे पहले मैंने 10 सेशन करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं दोस्तों ये 10 सेशन, तो जरूर देखिए। इसका जो है प्लेलिस्ट मैंने तैयार रख दिया है, उत्कर्ष प्रकाशन का कुमार गौरव द्वारा जो अर्धवार्षिकांक पुस्तक संकलित हुआ है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। उसमें 10 सेशन पहले से करा रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, करंट अफेयर जिस एग्जाम में पूछते हैं। तो आइए इस सेशन को भी कंप्लीट किया जाए, पुरस्कार एवं सम्मान को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए इसको कवर किया जाए। इसमें पहला दिया है पुरस्कार एवं सम्मान में दोस्तों, व्हाइटन क्यूएस रिमेजिंग एजुकेशन अवार्ड्स। यह बता दें, यह एजुकेशन के क्षेत्र में दोस्तों, इसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में, व्हाइटन क्यूएस रिमेजिंग एजुकेशन अवार्ड। तो इसमें देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जो है मद्रास, IIT मद्रास को जो है दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है, शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड मिला है। और डेटा साइंस और एप्लीकेशन में IIT मद्रास BS ने सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत जीता है, जबकि IIT और IISc की संयुक्त पहल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग ने आजीवन सीखने की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आइए, KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 इसे दिया गया है। तो प्रथम KR ये गौरी अम्मा जो है नेशनल अवार्ड इनको दिया गया है। यह क्यूबा की सोशल एक्टिविटीज डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया गया है। यह विकलांग बच्चों के रहने के लिए जो है दोस्तों, दो घरों को वह संचालित करती हैं। तो इसलिए केरल के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है चंद्रशेखरन, उन्होंने इनको चंद्रशेखर नायर स्टेडियम में ओलंपिक हॉल में यह अवार्ड में दोस्तों प्रस्तावित पत्र और 3,000 अमेरिकी डॉलर दिए हैं ये कैनेडाई डॉक्टर को, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। नेक्स्ट है अमेरिकी IACP 2022 पुरस्कार। अमेरिकी IACP 2022 का पुरस्कार छत्तीसगढ़ की राजानंद गांव पुलिस की नशा विरोधी जो निजात अभियान है का संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चयन हुआ है। यह अभियान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जो है संतोष सिंह के कार्यकाल में शुरू किया गया। गढ़चिरौली पुलिस के तत्कालीन SP अंकित गोयल के माओवाद विरोधी कार्यक्रम जो है दादा लोरा खिड़की को संस्थागत श्रेणी के सामुदायिक पुलिसिंग कैटेगरी में IACP अवार्ड हेतु चुना गया। नेक्स्ट है UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स। ओडिशा ने जग मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। कौन जीता है? ओडिशा ने जग मिशन के लिए। जग मिशन राज्य सरकार की 5T पहल है। ये 5T का मतलब क्या है? तो देखिए 5T का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन है। यह एक पहल है T5 का। यह दुनिया का सबसे बड़ा भू टाइटलिंग और असलम उन्नयन कार्यक्रम है यह, जो ओडिशा को मिला है। ईट राइट स्टेशन सम्मान। ईट राइट स्टेशन सम्मान में देखिए, भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए फसाई द्वारा जो है दोस्तों 5-स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। किसको? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। स्टार प्रमाणीकरण वाले रेलवे स्टेशन आनंद विहार टर्मिनल जो दिल्ली में पड़ता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में पड़ता है, मुंबई सेंट्रल रेलवे यह भी मुंबई में पड़ता है, वडोदरा रेलवे स्टेशन जो गुजरात में पड़ता है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो चंडीगढ़ में, भोपाल रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनको दिया गया है। असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार जो है, असम सरकार ने राज्य में कैंसर के देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सकैया को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम सौरभ प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा भी दोस्तों 5 लोगों को दूसरा सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है असम सौरभ प्रदान करने की घोषणा की है असम के राज्य सरकार ने। यह पुरस्कार जो है अबहान थिएटर के प्रसिद्ध जो है निर्माता कृष्ण रॉय, फुटबॉल खिलाड़ी ग्लिस्टन संगमा, लॉन बॉल खिलाड़ी जो है
नायमोनी सैकिया और वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार सकैया और डॉक्टर शशिधर फुकन को यह प्रदान किया गया है। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को, देश और दुनिया में कानून पेश के लिए उनकी जीवन की सेवा के लिए हवर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार यानी अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें 11 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में भारतीय फिल्म RRR सुपरहिट गीत जो है नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के रूप में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। यह सॉन्ग नाटू नाटू जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला एशियाई सॉन्ग बन गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR दो कैटेगरी बेस्ट ओरिजिन सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। गोल्डन कैलाश अवार्ड। गोल्डन कैलाश अवार्ड जो है यह दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित एक राजस्थानी फिल्म नरेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। कन्नड़ फिल्म जो है कोली एसरू, जिसको चिकन करी ने, इसको चिकन करी हिंदी में बोलेंगे और कन्नड़ में बोलेंगे कोली असरू, ने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार अपेक्षा चोरना हली और अक्षरा जो है पांडवा पुरी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। जीतू कमल को बंगला फिल्म जो है अपराजितों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर पंगत राव कदम पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदार पुनेवाल को अपना को पहला डॉक्टर पंगत राव कदम मेमोरियल सम्मान प्रदान किया है। पूनावाला की भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कोवैक्स टीके का विकास किया गया जो कोरोना ओमिक्रॉन वायरस के खिलाफ कारगर हुआ है। पंगत राव कदम जो है महाराष्ट्र राज्य के एक भारतीय राजनेता थे और उनकी स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 71वां मिस यूनिवर्स 2022। 71वें मिस यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन अमेरिका के लुइसियाना स्टेट के न्यू ऑर्लियंस शहर में हुआ। विश्व की 84 देशों की प्रतिभागियों को मत देने के बाद फिलीपींस मूल की पहली अमेरिकी ग्रेबियल ने यह ताज अपने नाम किया। इससे पूर्व विश्व सुंदरी भारत की हरनाज संधू ने अपना ताज पहना था इससे पहले वाले में 2021 में। पद्म पुरस्कार 2023। 25 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। 25 जनवरी 2023 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म श्री 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी की, जिसके तहत 6 पद्म भूषण और 9 जो है पद्म भूषण और 91 जो है 91 जो है पद्म श्री पुरस्कार शामिल है इसमें। फिर से एक बार रिकॉल इसको करते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 106 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं जिसमें 6 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण और 9 पद्म भूषण और 91 जो है पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। इस सूची में 19 महिला और विदेशी NRI और OCI की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले शामिल है इसमें। तो देखिए विजेता कौन बने हैं पद्म विभूषण के एक बार में देख लेते हैं। श्रीनिवास वर्धन जो वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं जो USA के हैं उनको दिया गया। बालकृष्ण दोषी जो मरणोपरांत दिया गया है वास्तुकला के क्षेत्र में गुजरात के हैं। जाकिर हुसैन जो कला के क्षेत्र में दिया गया है महाराष्ट्र के हैं। SM कृष्णा जो सार्वजनिक मामले के लिए है कर्नाटक के, इनको दिया गया है पद्म विभूषण। दिलीप महालनोबिस इनको मरणोपरांत दिया गया है, दवा के क्षेत्र में दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल के थे। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया, सार्वजनिक मामले में ये उत्तर प्रदेश के थे। और पद्म भूषण में दोस्तों कितने को दिया गया है? 9 को दिया गया है। तो आइए इनको भी देख ले। SL भरपैया जो है साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है जो कर्नाटक के हैं। कुमार मंगलम बिरला जो व्यायाम और उद्योग के लिए है, इनको महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के थे, इनको दिया गया कुमार मंगलम बिरला को।
दीपक घर, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग थे, महाराष्ट्र के हैं, इनको भी दिया गया है पद्म भूषण। वाणी जयराम पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, तमिलनाडु के हैं। स्वामी चिन्नाजीयर अध्यात्मवाद, ये तेलंगाना के हैं, इनको भी पद्म भूषण दिया गया। सुमन कल्याणपुर कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म भूषण। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और सुधा मूर्ति सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कर्नाटक की है, इनको पद्म भूषण दिया गया। अब कमलेश डी पटेल जो अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना के हैं, इनको भी पद्म भूषण से दिया गया। और पद्म विभूषण से तो पता ही है दोस्तों, पद्म श्री से कितने 91 को दिया गया, तो उसे तो याद करना, इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। नेक्स्ट है कि क्रिस्टिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023, क्रिस्टिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में दिग्गज फिल्म निर्देशक जो है SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म राइज रॉर रिवोल्ट यानी RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बाद अब 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में दो श्रेणियों में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म व गाने जो है नाटू नाटू के लिए बेस्ट सॉन्ग का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार में देखिए, तमिलनाडु जो है मार्केटाइल बैंक लिमिटेड जो है TMB वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार इसे जीता है। सर्वश्रेष्ठ बैंक का श्रेणी बिजनेस टू KPMG यानी BT का यहाँ पे दिया है, KPMG सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। इंडियन अचीवमेंट अवार्ड 2023, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 का है, जो आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वर्ष 2022 का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तौर पर इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। इंडियन अचीवर्स अवार्ड वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जो इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स यह जो है प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान है। आर विष्णु प्रसाद के नाम अब 69 जो है 69 पेंटेड दर्ज है। अवार्ड का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किस थाने को दिया गया? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के गंजाम जिले के आस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना के रूप में पुरस्कृत किया है। ओडिशा के गंजाम जिले के ही गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरा व उत्तराखंड के चंपावत जिले के जो है बनबास थाने को तीसरा सर्वश्रेष्ठ असिस्टेंट चुना गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को ही 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार में चयनित संस्था को 51 लाख रुपये नगद और एक प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत मामले में 5 लाख रुपये और एक नगद प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023, यह पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन UK अचीवर्स ऑनर्स के तहत तरफ से लंदन में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। किन्हें? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे देश के। सम्मानित होने वाले में बॉलीवुड अभिनेता परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पुनेवाल और भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर जो आदिति चौहान भी शामिल है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स में। 65वें ग्रैमी पुरस्कार 5 फरवरी 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में 65वें ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड्स में भारतीय संगीतकार जो है रिकी केज ने तीसरी ग्रैमी पुरस्कार जीता है। रिकी केज ने केमा ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं, तीसरा। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे एकमात्र भारतीय हैं। स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइस टाइटल्स के लिए रिकी केज को यह पुरस्कार मिला है। उन्हें वर्ष 2022 में न्यू एज एल्बम और 2015 में विंड ऑफ संसार के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। मातृभूमि पुरस्कार ऑफ द ईयर, मातृभूमि बुक
ऑफ द ईयर 2023, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, लेखक जो है डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2023 के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। उन्होंने इन्हें पुरस्कार जो है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स के लिए यह सम्मान किया है सम्मान दिया गया है। यह पुरस्कार के तहत एक मूर्ति और 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023। भारत की सबसे बड़ी जो है बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। राजा राम मोहन रॉय 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार ABK प्रसाद को राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रदान किया गया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। ABK प्रसाद ने अपने जीवन के 75 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित किए हैं। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, प्रेसिडेंट जो है कलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से प्रदान किया है। हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले देश के 10 राज्य पुलिसों बल में से एक बन गई है। अकबर ककटिलू ककटिल पुरस्कार, अकबर ककटिल पुरस्कार, ककटिल पुरस्कार, अकबर ककटिल पुरस्कार यह क्या है? लेखक सुभाष चंद्रन के उपन्यास जो है समुद्र शीला को जो है कोझिकोड के लघु कथाकार और उपन्यासकार के स्मृति में यह एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित अकबर ककटिल पुरस्कार के लिए चुना गया है। लेखक एम मुकुंदन ने 17 फरवरी 2023 को एक समारोह में सुभाष चंद्रन को 50,000 रुपये और एक मूर्ति प्रदान की गई है। सांसद रत्न पुरस्कार, यह देखिए सांसद रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? सांसद रत्न पुरस्कार समारोह के 13वां संस्करण है। कैमा संस्करण 13वां है। यह 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद TK रंगराजन को सम्मानित किया गया। लोकसभा की वित्त समिति और राज्यसभा की परिवहन पर्यावरण सांस्कृतिक समिति को भी यह पुरस्कार के लिए चुना गया। 13 सांसदों को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। सांसद रत्न अवार्ड देखिए, सांसद रत्न पुरस्कारों की स्थापना पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। उन्होंने खुद 2010 में चेन्नई में पुरस्कार समारोह के पहले संस्करण का शुभारंभ किए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022। पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 जो है भारतीय मूल के इंजीनियर्स सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की डांस ऑफ द ईगल्स शीर्षक वाली खूबसूरत फोटो ने 5,000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस फोटो को अलास्का में चिलकट बॉल्ड ईगल प्रिजर्व में खींचा गया है। उनका डांस ऑफ द ईगल फोटोग्राफ नेशनल जियोग्राफी के मई संस्करण में कवर पेज पर था। नेक्स्ट है दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के लिए एक भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द कश्मीर फाइल्स बहुत ही हाईलाइटेड रहा है, बहुत ही चर्चों में रहा है यह। नेक्स्ट है कि वही SS राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म जो है RRR ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो आपको बता दें यह मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के एक भव्य समारोह में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन लिया है? RRR का RRR को दिया गया है। यह किनके द्वारा है? तो यह SS राजामौली के द्वारा निर्देशित फिल्म है। देखिए अन्य पुरस्कार किनको किनको, तो अन्य पुरस्कार में देख सकते हैं यहाँ पे क्रमवार में दिया है, 4 व्यक्तियों को मिला है। तो देखिए यह कला के क्षेत्र में जो है आलिया भट्ट जो है एक्ट्रेस है इनको दिया गया।
गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए देगा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए, और ऋषभ शेट्टी को दिया गया बेस्ट प्रोमिसिंग एक्टर ये कांतारा के लिए दिया गया है, और आर बाल्की को दिया गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुप मूवी के लिए। नेक्स्ट आइए 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। इसमें जो है लंदन इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जिन्हें बाफ्टा भी कहा जाता है प्रस्तुत किया गया। जर्मन एंट वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी का पुरस्कार भी शामिल है। तो देखिए विजेताओं की सूची यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ देखिए क्रम में है पहला कि बेस्ट फिल्म किसे दिया गया, तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया, और लीडिंग एक्ट्रेस जो है केट ब्लैंचेट को दिया गया टार के लिए, और लीडिंग एक्टर जो है ऑस्टिन बटलर को दिया गया एल्विस के लिए, और बेस्ट निर्देशक जो है एडवर्ड बर्जन को ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए दिया गया, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नवलनी को दिया गया जो डेनियल रोहरर के लिए है। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार। यह 23 फरवरी 2023 को सज्जन जिंदल द मैन ऑफ स्टील के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो है JSW ग्रुप को वर्ष 2022 का जो है इंटरप्रेन्योर नामित किया गया, और उन्हें जून 2023 में मोटे कार्ले में जो है वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। डीएलएफ ग्रुप के एमिटियस चेयरमैन केपी सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म जो है आरआरआर ने हॉलीवुड क्रिएटर्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसने HCA फिल्म पुरस्कारों में 3 और पदक यानी पुरस्कार भी जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला आरआर ने HCA ने 3 पुरस्कार जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए। नेक्स्ट है वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 जो है इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे ने जम्मू कश्मीर पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना है। केंद्रीय सांस्कृतिक और संसदीय मामले के राज्य मंत्री जो है अर्जुन राम मेघावल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023। कंप्यूटर विज्ञान हरि बालकृष्ण को 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्कोनी पुरस्कार को दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस पुरस्कार में दोस्तों बता दें आपको $1,00,000 का नगद राशि पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और पदक भी शामिल होता है। $1,00,000 को प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि $1 बराबर कितना रुपया होता है, 83 रुपये होता है। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनको कितना मिला होगा इंडियन रुपीज के हिसाब से, $1,00,000। ऑस्कर पुरस्कार 2023। यह जो 13 मार्च 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऑस्कर पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें आरआर को नाटू नाटू में सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता। गीत नाटू नाटू जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाला दूसरा भारतीय संगीत बन गया। यह पुरस्कार पहली बार जो है संगीतकार AR रहमान और गीतकार जो है गुलजार को 2008 में ब्रिटिश निर्देशक डैनी बॉयल की फिल्म जो है स्मॉल डॉग मिलियनर्स में जय हो के लिए प्राप्त हुआ था। भारतीय फिल्म निर्माता जो है सोनक की ऑल दैट ब्रीथ्स 95 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र जो है फीचर फिल्म यानी बेस्ट डॉक्यूमेंट फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर
से चुनी गई थी। कार्तिक जो है गोंजाविल्स द्वारा निर्देशित और गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट्स फिल्म श्रेणी में यह जीत हासिल की है और वर्ष 2023 का ऑस्कर विजेता की सूची एक बार देख लीजिए, श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पे। और फिल्म तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है फिल्म कौन है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस, इसको दिया गया है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। और बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया है गया है किसके, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, यह जर्मनी का है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द वेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है डेनियल क्वान और डेनियल सेंटर्न सेनर को दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इट वंस के लिए दिया गया है। हॉकी इंडिया पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार, हॉकी मिडफील्ड हार्दिक सिंह और मिडफील्डर जो है हार्दिक सिंह और गोलकीपर जो है सबिता पुनिया को पुरुष और महिला के भारतीय हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हार्दिक और सबिता दोनों को ट्रॉफी के साथ जो है 25-25 लाख रुपए की राशि दी गई है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2022 के विजेताओं की देख लीजिए एक बार सूची, श्रेणी और विजेता। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, गुरबख्श सिंह को दिया गया है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड्स फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया, हार्दिक सिंह को दिया गया है पुरुष में। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर ऑफ द सीनियर फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर जो है यह महिला में दिया गया है सबिता पुनिया को। गुजराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 में पुरुष को दिया गया है उत्तम सिंह को और महिला में किसको दिया गया है, मुमताज खान को। धनराज पिल्ले अवार्ड फॉर फॉरवर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया, वंदना कटारिया को दिया गया है। नेक्स्ट है फीफा पुरस्कार, फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के लिए किसे दिया गया, तो अर्जेंटीना के लियोन मेसी ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीते हैं। मेसी को 8 अगस्त 2021 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 की अवधि तक पुरुष फुटबॉल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मेसी ने 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2022 में 7 बार जो है फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब इन्होंने जीता है, लियोनेल मेसी ने। अन्य विजेता और वर्ष यहाँ पे देख सकते हैं, अन्य विजेता और वर्ष 2022 का देखिए यहाँ पे श्रेणी और क्रम विजेता और देश दिया हुआ। तो देखिए श्रेणी में है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह कौन है दोस्तों, एलेक्सिया पुटेल है जो कहाँ की है, यह बार्सिलोना स्पेन की है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच किसको दिया गया, तो लियोलेन एस्कोलिन को दिया गया जो अर्जेंटीना के कोच है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच किसे दिया गया है, सरीना विगमैन को दिया गया है जो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मार्च 2023 के 5वें वार्षिक एशियाई शतरंज उत्कृष्टता पुरस्कारों में से कई भारतीय खिलाड़ी और शतरंज के भारतीय शासी निकाय को वर्ष 2022 को उनकी शानदार उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को जो है महाबलीपुरम के 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ जो है स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे, डी गुकेश को दिया गया शतरंज के क्षेत्र में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी में उनके प्रयास के लिए मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार, टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता भारतोलन मीराबाई चानू ने सार्वजनिक मतदान के बाद जो 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती हैं। मणिपुर के 28 वर्षीय भारतोलक मीराबाई चानू 2021 में भी यह पुरस्कार जीतने के बाद लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई है। अन्य विजेताओं में देखिए बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है भवानी पटेल को। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रतिमा शिवाज को जो हॉकी की प्लेयर है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर
किसे दिया गया? बॉक्सर नीतू घागस को दिया गया है। धानदस प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। नागरिक जो है, वास्तुकार और शहर योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार 2023। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री जो है डॉक्टर एल मुरुगन ने नई दिल्ली में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसे 3 लाख रुपये दिए जाते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुश्री सिप्रा दास को दिया गया है। प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड जो है श्री शशि कुमार रामचंद्रन जी को दिया गया है। अम्योचर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड जो है अरुण साहा को दिया गया है। व्यास सम्मान 2022 का यह प्रसिद्ध हिंदी लेखक जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2018 के व्यंग उपन्यास जो है पागल खाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से 32वें व्यास सम्मान के लिए इनको चुना गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की गई। इसके सम्मान के तहत जो है 4 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिलनाडु जो है तमिल के लेखिका शिव शंकरी को उनके पुस्तक जो है सूर्य वंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। इसके तहत लेखिका को जो है 15 लाख रुपये नगद पुरस्कार दिए गए। तमिल भाषा में जो है संस्करणों की एक पुस्तक है वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 यह किसे दिया गया है? तो 14 मार्च 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास के अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत में यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2015 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी थे। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लंदन में आयोजित हिंदी सिटीज शिखर सम्मेलन के दौरान 5 शहरों को पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसमें वैंकूवर यानी कनाडा के जो है, एथेंस जो ग्रीस देश का है, मैक्सिको सिटी और मेंटेवीडियो और बेंगलुरु शामिल है। इसमें भारतीय शहर बेंगलुरु को इस पुरस्कार के लिए 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए। ITU WSIS पुरस्कार 2023 यह जो है पंचायती राज मंत्रालय के जो है ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया। सुनील जैन DDG पंचायत सूचना विभाग प्रभाग जो है NIC का प्रतिष्ठित ITU WSIS 2023 प्राप्त किया है। नेक्स्ट है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023। 19 मार्च 2023 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 का संगीत कला निधि पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार जो है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को दिया गया जो नृतक हैं। और संगीत कला आचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केरल की कर्नाटक गायिका जो है पुलकुंगरा अंबिका देवी और मृदंग वादक जो है KS कालिदास को दिया गया है वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार। तो एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में दिल्ली हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे में दूसरा स्थान दिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है वर्ष 2022 के लिए 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को प्रति वर्ष की श्रेणी में हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता में जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार भी जीता है। आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है यानी प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्री छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई भारत में है उससे ट्रेवल करते हैं। एबल पुरस्कार 2023 एबल पुरस्कार 2023 जो है यह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जन्मे लुइस
कैफरेली को वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार दिया गया है। यह दक्षिण अमेरिका के पहले एबल पुरस्कार विजेता बने हैं। गणित के प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, यह वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 में बता दें कि आलिया मीर को जम्मू कश्मीर द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जो इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों की पहली महिला बन गई है। प्रसिद्ध जो है समाज शास्त्री आलिया मीर को जम्मू कश्मीर व सामूहिक वन द्वारा आयोजित विश्व वानिकी दिवस समारोह में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। तपोवन असम के पाठशाला में स्थित एक एनजीओ जो विशेष जागरूकता और आत्म केंद्रीय बच्चों का समर्थन करने पर स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, एक पट्टिका और 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड्स में। साहित्यिक पुरस्कार देखिए, साहित्यिक पुरस्कार में क्या है, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर ने बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान को उनकी ट्रायोलॉजी जो अनफिनिश्ड मेमोरीज मेमोयर्स द प्रिजन डायरीज और द न्यू चाइना जो है न्यू चाइना 1952 के लिए एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 26 मार्च 2023 को जो है फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर, जिसको फॉसवॉल भी शॉर्ट में बोला जाता है, का 3 दिवसीय क्षेत्रीय साहित्यिक सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुआ। सेवेलियर डे ला लैगियन डी होनूर, यह जो है परोपकारी और कला संग्राहक किरण नादर को भारत में फ्रांसीसी राजदूत जो है एमैनुअल लायलेन द्वारा जो है सेवेलियर डे ला लैगियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया। किरण नादर म्यूजियम ऑफ द आर्ट के चेयरपर्सन एंड शिव नादर जो फाउंडेशन की एक ट्रस्टी ने भारत और फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों और कलात्मक सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैक्सीन डॉक्यूमेंट्री और एक्सीलेंस पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम लोग। वैक्सीन जो है वैक्सीन इंडस्ट्री 3 से 6 अप्रैल 2023 तक वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 जो है अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित हुआ। भारत बायोटेक के वैक्सीन इंडस्ट्री जो है एक्सीलेंस पुरस्कार के लिए एक हिस्से के रूप में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन और प्रक्रिया विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑलिव क्राउन अवार्ड्स दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। ऑलिव क्राउन अवार्ड्स जो है 13वां संस्करण जो मुंबई महाराष्ट्र में यानी भारत में आयोजित किया गया ताकि स्थिरता या हरित विज्ञापन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और जो है कॉरपोरेटर्स की सराहना की जा सके। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कार में जो है 17 श्रेणियां शामिल है जिनमें ग्रीन एजेंसी ऑफ द ईयर और ग्रीन कॉपेन ऑफ द ईयर भी शामिल है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023, यह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 में बता दें आपको कि 16 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाज सेवा के रूप में प्रसिद्ध जो है दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी जिन्हें अप्पा साहब धर्माधिकारी भी कहा जाता है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत एक मेडल, एक स्मरण पुस्तिका और 25 लाख रुपए की राशि नगद प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स जो है नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री जो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अखिल भारतीय प्रबंधन संघ जो है IMA द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत के उच्च प्रदर्शन वाले प्रबंधन नेताओं और संस्थानों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए 13वें जो है AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स प्रदान किया है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकर्ड अवार्ड जो है आदित्य बिरला
ग्रुप को दिया गया है, जिसके अध्यक्ष है कुमार मंगलम बिरला। एमएनसी इन इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है एक प्रमुख इंजीनियरिंग जो एमएनसी के जो सेवा कंपनी जो है एबीबी इंडिया ने जीता है। वर्ष का उत्कृष्ट जो है पीएसयू किसे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को मिला है, फेमिना मिस इंडिया 2023। यह 15 अप्रैल 2023 को 59वें जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले मणिपुर के इम्फाल में हुआ। खुमन जो है खुमन लाइपक इंडोर स्टेडियम में हुआ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दोस्तों पहली बार यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आयोजित की गई। राजस्थान की नंदनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया। संतो कबा जो है मानवतावादी पुरस्कार 2023 संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 जो है प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक जो है निदेशक सोनम वांचुक को सम्मानित किया गया। इसके तहत 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 प्रख्यात गायिका आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के याद में यह जो परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की पहली बार जो है प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। प्रमुख विजेता देखिए, मास्टर्स दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वरिष्ठ गजल गायक पंकज उद्दास को दिया गया। सामाजिक सेवा का पुरस्कार जो सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को दिया गया। वागीलिसिनी पुरस्कार जो है ग्रंथाली प्रकाशन को साहित्य के योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कि वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन में कर्नाटक को पहली बार अग्रणी राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2018 से अटके हुए दावों वाले जो है लगभग 6 लाख किसानों के लिए 687 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 24 अप्रैल 2023 को जो है एलेसेंड्रा कोराप को ब्राजील में अमेजन वर्षा वन की रक्षा के लिए जो है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अन्य विजेता देखिए, जाफर जो है किजिलकाया जो है यह तुर्की के हैं, और चिलिक वा मुम्बा जो है जामिबिया के, और टेरा मस्टोनन जो है फिनलैंड के, और डेनिमा सिलाली जो है इंडोनेशिया के, और डायने विल्सन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया, तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकार या संगठन के लिए एक सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यह 22 पुलित्जर श्रेणी है। इसमें कितने श्रेणी है, 22 है। इन श्रेणियों में 21 में विजेताओं को $15,000 नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। वार्षिक जो है पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1917 में प्रस्तुत किए गए थे। श्रेणी और इसकी विजेता देख सकते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग जो है लॉस एंजल्स टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया। और राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द वाशिंगटन पीस्ट के जो है कैरोलिन किचनर को दिया गया है। और आलोचना में दिया गया न्यूयॉर्क पत्रिका एडिनल लॉन्ग चू को दिया गया है। किताबें नाटक और संगीत यहाँ पे देख सकते हैं एक नजर में। उपन्यास जो है दानो कॉपरहेड जो विजेता है कौन, बड़ा बड़ा किंग सोल्ड जो हॉर्पर है यह ट्रस्ट के लिए था। इनको नाटक में इतिहास में देख सकते हैं, आत्मकथा कविता संगीत और नॉन फिजिकल में भी दिया गया है। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार आते हैं हम। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार में 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इस पुरस्कार के लिए वर्ष 1959 में चुना गया, लेकिन तब चीन की वजह से तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। वह वजह से यह पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर में जो है 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स आयोजित किया गया। विजेताओं की सूची देख सकते हैं एक बार, श्रेणी विजेता और फिल्म।
कौन से फिल्म को किस विजेता के लिए दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को देख सकते हैं यहाँ पे, अभिनेता तो नहीं दिया, गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिएटर्स जो है बधाई दो को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को बधाई दो के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनेता ही महिला में दिया गया, आलिया अभिनेत्री होगा यहाँ पे दोस्त, अभिनेत्री या जो है महिला में आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी की, सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय भंसाली को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। अप्रैल 2023 में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड जो को मियामी फ्लोरिडा में एक समारोह में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड के तहत जो है कार्बन न्यूनीकरण में जो ग्लोबल सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। वेदांता लिमिटेड को प्रबंधन व पर्यावरण नीति में और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है CSR श्रेणी में ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023। अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मेन के दिग्गज स्टार लियोनेल मेसी को अपनी कंपनी में वर्ष 2022 कतर फीफा विश्व कप जीतने के लिए पेरिस में आयोजित एक समारोह में जो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेसी एक वर्ष में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। अन्य विजेता देखिए, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है सेली एन फ्रेजर प्रिस को दिया गया जो जमैका की है। टीम ऑफ द ईयर अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर जो है कार्लोस अल्कराज को दिया गया है। कम बैक ऑफ द ईयर जो है क्रिश्चियन एरिक्सन को दिया गया जो डेनमार्क के है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 यह किसे दिया गया? तो वर्ष 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित 13वां जो है भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद ने भय मुक्ति उत्तर प्रदेश बनने के प्रयास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदान किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से योगी आदित्यनाथ को पुरस्कृत किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। गोविंद स्वरूप जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह पहले ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रोफेसर जयंत वी नरलितमर को सम्मानित किया गया जो एक उत्कृष्ट खगोल शास्त्री और IUCA जो पुणे संस्थापक निदेशक और IAS के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। प्रोफेसर जयंत नरलिकर को वर्ष 2022 के लिए इस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। सागर श्रेणी सम्मान, यह क्या है? सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर लॉन्च किया है। यह प्राकृतिक के साथ काम अवधारणा के साथ संरेखित करते हुए बंदरगाह के विकास संचालन और रख रखाव की जो है परिकल्पना करता है। सागर श्रेष्ठ सम्मान जो है कोचिन पोर्ट को दिया गया है जो टर्न अराउंड टाइम यानी नॉन कंटेनर पोर्ट में परफॉर्मेंस शील्ड है। सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह का पुरस्कार जो है पारादीप पोर्ट को दिया गया है जो कहाँ पे है, जो कोलकाता में पड़ता है। स्वनासी विश्वविद्यालय डायलॉग जो है थॉमस पुरस्कार 2023। 28 वर्षीय लेखक जो है ओरिजिन इम्फेकांडू ने नाइजीरिया में क्वियर जीवन और प्रेम के जो है बहुप्रदर्शक प्रतिबिंब के लिए जो है कितना यूरो दोस्तों, तो यह जो है 20,000 यूरो स्वनासी विश्वविद्यालय डायलॉग थॉमस पुरस्कार जीती है। यह पुरस्कार बता दे, यह पुरस्कार 39 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों को द्वारा साहित्य कार्य को मान्यता देता है। डैग हैमरशोल्ड मॉडल पुरस्कार 2023। यह जो संयुक्त राज्य में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत जो है रुचिरा कंबोज ने हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह यानी सीकर जो राजस्थान के हैं और सावला राम बिश्नोई जो राजस्थान के ही हैं बाड़मेर का की ओर से एवं अतुल खरे ने नागरिक क्षमता में जो है
कार्यकर्ता साबेर जो है ताहिर अली के तरफ से अवर सचिव डैग हमरसोल्ड प्रदान प्राप्त किया है, पदक प्राप्त किए। इस पदक का नाम संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डैग हमरसोल्ड के नाम पर रखा गया है। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 या 25 यूके जो है 25वें यूके एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल 4 मई से 14 मई 2023 के बीच में आयोजित हुआ। बतौर निर्देशक जो है शिलादित्य बोरी की पहली फिल्म जो है भगवान भरोसे के 25वें यूके एसोसिएशन फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 कविता जो है लंकेश द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री गौरी को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित वर्ष 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट जो है लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है इनको साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। यह फिल्म पत्रकार और कार्यकर्ता जो गौरी लंकेश जिनकी 5 सितंबर 2017 को उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी उस पर आधारित है। नरेंद्र मोदी को 4 देशों का शीर्ष सम्मान दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यूगिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने 22 मई 2023 को पोर्ट मोरेस्बी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड की ऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। मारेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से G20 और G7 जैसे वैश्विक मंचों पर छोटे द्वीपी देशों की आवाज बनने की अनुरोध किया और उन्हें मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता बताया। सम्मेलन के दौरान पापुआ न्यू गिनी ने मोदी को ग्रैंड कैंपियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका ने द कैंपियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया और पाउली के राष्ट्रपति जो है सुरंगेल विस्प्स जूनियर ने मोदी को एबल्कल अवार्ड से सम्मानित किया। और 25 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को मिला अवार्ड ऑफ द नाइल जो मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। आईफा 2023 के बारे में देखते हैं। यह 26 से 27 मई 2023 को बॉलीवुड के ऑस्कर 2023 में जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 यास द्वीप पर एतिहाद जो है एरिना आबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, जिसका स्थापना लंदन में 2000 ईस्वी में किया गया था। 23वें अवार्ड शो का अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल ने होस्ट किए हैं ये दोनों अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल। श्रेणी देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, दृश्यम है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर माधवन, रॉकेट्री जो है द नंबी इंपैक्ट के लिए है। लीडिंग रोल मेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ऋतिक रोशन का है विक्रम बेधा के लिए। लीडिंग रोल फीमेल में आलिया भट्ट को, सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रतिमा चक्रवर्ती को, ब्रह्मास्त्र भाग में एक शिव के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीत जो है अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया है, ब्रह्मास्त्र के लिए ही दिया गया है। 76वां जो है कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2023 यह 16 से 27 मई 2023 तक कांस्य फिल्म फेस्टिवल के 76वें संस्करण स्वीडिश निर्देशक जो है रूबेन अस्टालुंड की अध्यक्षता में फ्रांस में अपने शीर्ष पुरस्कार पामले डी ओर के पुरस्कार के साथ समाप्त हुआ। वर्ष 1939 में स्थापित फेस्टिवल में इस पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रस्तुत की गई 21 फिल्म को विजेता की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पे विजेताओं की सूची है, देखिए यहाँ पे श्रेणी और उसके विजेता। सर्वश्रेष्ठ निदेशक जो है त्रान अहंग को जो है द पॉट ऑफ फेव के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पट कथा जो है मॉन्स्टर यूजी जो है सका मोतो द्वारा लिखित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मार्वे दिजदार को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है कोजी याकुसो को और पाल्मे डी ओर जो है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जस्टिन ट्रायल द्वारा निर्देशित है। मानद पाल्मे डी ओर जो है माइकल डगलस और लघु फिल्म पाल्मे डी ओर जो है फ्लोरा अन्ना बूडा। 57वें ज्ञान
पुरस्कार 2023 का देखिए तो गोवा के लघु जो है कथा लेखक उपन्यासकार आलोचक और कोंकणी में जो पट कथा लेखक जो है दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021-22 से सम्मानित किया गया। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता असामिया कवि नीलमणि फुकन जी थे उनको दिया गया है। वर्ष 2008 में रविंद्र जो है केलकर के बाद मौजो पुरस्कार प्राप्त करने वाले गोवा के दूसरे नागरिक बन गए हैं। वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस पुरस्कार जो है एविएशन मॉनिटर ने अपने एयरलाइंस एक्सीलेंस अवार्ड्स और 2023 के लिए विश्व की शीर्ष 25 एयरलाइंस के साथ रैंकिंग की घोषणा की। इसके तहत यूएई की जो है एतिहाद एयरवेज को वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइंस नामित किया गया। एयरलाइंस को यह पुरस्कार दूसरी बार मिला है। शीर्ष एयरलाइंस न्यूजीलैंड एयरवेज, कतर एयरवेज, एतिहाद एयरवेज और कोरियन एयरवेज एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया। शीर्ष एयरलाइंस जो है और कतर एयरवेज ने बेस्ट बिजनेस क्लास और बेस्ट कैंटरिंग के साथ साथ जो है मिडिल ईस्ट में वेस्ट एयरलाइंस का पुरस्कार भी जीता है। ग्रैंड अवार्ड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार यह किसे दिया गया है, तो यह जो है यह सूरीनाम का है दोस्तों। सूरीनाम देश का ये एक अवार्ड है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यह दोस्तों, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार यह जो है सम्मानित किया गया। पारामारिबो में सूरीनाम गणतंत्र के राष्ट्रपति जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। जेसिंडा ऑर्डन डैम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड देखिए तो न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जो है जेसिंडा ऑर्डन को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 में गोलीबारी की घटना के दौरान देश के नेतृत्व और सेवा के लिए देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। मिशेल बैटिश पुरस्कार 2023 रामनाथपुरम जिले के जो है वन्य जीव वार्डर और जिला वन अधिकारी जो है जगदीश बाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए जो है $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटिक पुरस्कार 2023 जीता है। बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खारी में उनके काम के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार सिविले जो है रणनीति की सिफारिशों के अनुरूप बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 12 जून से 15 जून 2023 तक पेरिस में यूनेस्को द्वारा आयोजित मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 35वें सत्र को दिया गया। क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 यह बता दे 8 जून 2023 को लेखक जो है पैटरसन जो है जोसेफ को पहले उपन्यास द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटीज सांचो के लिए वर्ष 2023 रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन के जो है क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया। जोसेफ की द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटीज सांचो को इस वर्ष के पुरस्कार के लिए 6 पुस्तकों की शॉर्टलिस्ट में से विजेता के रूप में चुना गया। द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाटीज सांचो एक ऐतिहासिक कथा उपन्यास है जो चार्ल्स इग्नाटीज सांचो की कम ज्ञात कहानी बताता है जो इंग्लैंड के मतदान करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। नेक्स्ट है एस्पिनोजा पुरस्कार। तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक जो है ज्योइता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान और ज्ञान उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 1.5 मिलियन यूरो मिले। हेल्थ फॉर ऑल इंडिया फेस्टिवल 6 जून 2023 को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चौथे हेल्थ फॉर ऑल
फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। WHO ने ऑडियो विजुअल भाषा को संगठन के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए वर्ष 2019 में HAFF की शुरुआत किया। राजस्थान की वंदिता सहारिया के निर्देशक में बनी डॉक्यूमेंट्री वेन क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट वायलेंट को जो है हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार मिला। वे विजेताओं में एकमात्र भारतीय थी। आरिफुर रहमान और मिताली दास द्वारा निर्देशित और प्योर अर्थ बांग्लादेश द्वारा निर्मित वन इन 36 मिलियन स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लेज प्राइजिंग इन बांग्लादेश ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। UHC ग्रैंड पिक्स श्रेणी में जो है जोनाथन्स मेराइकल फिट सियरा लियोन मेडागास्कर, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य श्रेणी में जो है वॉल्वो और डायना जो इसराइल के हैं। छात्र फिल्म पुरस्कार श्रेणी में जो है गैस्पिंग फॉर लाइफ जो जर्मनी का है। और विशेष पुरस्कार बहुत छोटी फिल्म मिसर्स जो स्वीडन का मूवी है उसको दिया गया। इकबाल मसीहा पुरस्कार चेन्नई के वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग का वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है। नटराजन को चेन्नई में अमेरिका महावाणिज्य दूतावास की प्रमुख जूडित रवि ने एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 के बारे में देखते हैं। जून 2023 में लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट के क्षेत्र में श्रेणी में सुंदर इमारतों और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं को चयनित किया गया है। नेक्स्ट है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह किसे दिया गया? तो 17 जून को यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किया। और 11 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं की जो है सहित 41 विजेताओं को जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उनके जो है अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। और बता दें इस कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक जो है जल कलश समारोह से हुआ। उपराष्ट्रपति ने जो है राष्ट्रीय जल मिशन के शुभारंभ जो है पीकू पर एक जो है एनिमेटेड लघु फिल्म भी लॉन्च किए। इसमें दोस्तों बता दें इस श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं के पत्र ट्रॉफी और नगद पुरस्कार पहली दूसरी तीसरी रैंकिंग के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख 1.5 लाख और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रमुख विजेता यहाँ पे देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम जिला को मिला है जो उड़ीसा का है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम जो है ये किसको मिला है तेलंगाना के है दोस्तों जगन्नाथपुरम। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय जो है चंडीगढ़ नगर निगम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ मीडिया एडवांस फॉर डाई डेजर्ट प्राइवेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय जो है जतियापुरा प्राथमिक विद्यालय को दिया गया है जो गुजरात का है। सर्वश्रेष्ठ कैंपस जो है श्री माता वैष्णो देवी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को दिया गया है जो कहाँ पे है बेगूसराय बिहार राज्य में है। अन्य विविध सम्मान एवं पुरस्कार के देखिए सम्मान एवं पुरस्कार और प्राप्तकर्ता कौन है। एबल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? लुइस कैफरेली जो अर्जेंटीना के हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर जो जम्मू कश्मीर के हैं। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है किसे दिया है? आसिफ शेख जो नेपाल के क्रिकेटर है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है। जो भी हमने विश्लेषण से पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल करते हैं वन लाइनर के रूप में। व्यास सम्मान 2022 जो है लेखक ज्ञान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती सम्मान जो है तमिल लेखिका शिव शंकरी को दिया गया है। प्रेसिडेंसी कलर पुरस्कार जो है दोस्तों यह INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। और टेक्सास विश्वविद्यालय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको दिया गया है? नवीन जिंदल को दिया गया है। जेनेटिक्स एंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2023 जो है ईशा अंबानी को दिया गया है। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर का साहित्य पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। प्रिजिकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 जो है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। नेक्स्ट है प्रिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है
ये तो बता दें सर, डेविड एलन चेपरफील्ड को और पेन जो है नाबो को अवार्ड जो है 23 जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। पोर्टर पुरस्कार 2023 स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 दूर संचार नीति और विनियमन को दिया गया है भारत को। केरल ज्योति पुरस्कार यह MT वासुदेवन नायर को दिया गया। ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया को दिया गया है। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को दिया गया है। ये 1959 में दिया जाना था, लेकिन जो है उस समय जो तिब्बत पे चीन आक्रमण कर लिया था, जिसके कारण वहां से वो भाग गए थे, जिसके कारण ये सम्मेलन में नहीं शामिल हुए थे। आपको तो बताए हैं। नेक्स्ट है अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार जो है नीली बेंदापुरी को दिया गया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण है। संतू कबा मानवाधिकारी पुरस्कार 2023 जो है सोनम सोनम वांचुक को दिया गया है। मैलक जो है आदिशिया पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्री जो है उत्सा पटनायक को। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। और 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजे को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है जॉर्जी गोस्पोदिनेवा और अनुवादक जो है एंजेला रोडेल को दिया गया है टाइम शोल्डर के लिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार जो है त्रिची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। सेवेलियर डे ला लीजन डी हुनर जो है SN चंद्रशेखरन को दिया गया है। गोविंद स्वरूप जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रोफेसर जयंत वी निर्लग नार्लिकर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 जो है योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, पूर्व राष्ट्रपति जो कौन थे, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया। कैरल शील्ड पुरस्कार 2023 फातिमा असगर जो है वीहेन वी वेयर एस्टियर्स सिस्टर्स। नेक्स्ट है लिपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जो है मारिया अस्टापिनोवा। मानद पालमे डी और जो है माइकल डगलस। और गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है गीता प्रेस को दिया गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है गांधी शांति पुरस्कार में। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 जो है सलमान रसूदी को दिया गया है। तो ऐसे हमने पुरस्कार और सम्मान को कंप्लीट किया दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।